हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड, योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, अब तक कुछ हमने बेसिक हरियाणा जीके को किया है, जिसमें मैंने आपको 20 बेसिक चैप्टर्स करवा दिए हैं। कुछ बच्चों ने कहा, मैम खत्म हो गई क्या? बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई हुई, अभी तो बहुत सारा पढ़ना बाकी है। अभी तो जरा सी है, अभी तो पूरी मंजिल पढ़नी है, बहुत सारा पढ़ना है। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को हम हमेशा इजी टू डिफ़िकल्ट पढ़ते हैं, तो पहले बेसिक टॉपिक्स को करेंगे, हाई लेवल करंट अफेयर्स बहुत पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ते ही रहेंगे। तो डोंट थिंक सो कि ख़त्म हो गई चीज़ें, लर्निंग तो कभी ख़त्म होती ही नहीं, आपको पता है। और बेसिक टॉपिक ख़त्म भी हो जाएंगे तो करंट अफेयर्स चलती रहेगी, तो सोचो ही मत ख़त्म हो गई, ठीक है। हाँ, तो आज तक हमने कुछ बेसिक टॉपिक पढ़े, आज हम रूबरू हो जाते हैं हरियाणा की राजनीति से। आपको पता है राजनीति जो पॉलिटिक्स बाजी है वो सारी दुनिया में चल रही है भाई, हर जगह चल रही है, हर प्लेटफॉर्म पे चल रही है, तो हरियाणा में तो चलनी है और एग्ज़ाम्स में तो चलनी है। तो हरियाणा की राजनीति से किसी भी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जिनको मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। सो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूँ, मैं हूँ आपकी गाइडर निशा शर्मा और मेरा चैनल डेडिकेटेड है हरियाणा HSSC एग्ज़ाम्स एज वेल एज स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी टीचिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है डेट इज़ अबाउट मंत्रिमंडल कैबिनेट्स। आपको इस टॉपिक को समझना है हरियाणा की पॉलिटिक्स को समझने से पहले। ये हमारी क्लास नंबर 21 है, इससे पहले 20 हरियाणा जी की क्लास यू विल फाइंड इन माय चैनल अचीवर्स एकेडमी में। प्लेलिस्ट ओपन करोगे हरियाणा जी के, आपको उसमें 20 क्लासेस मिल जाएंगी। अब समझते हैं ये मंत्रिमंडल है क्या, कैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ी और क्यों बने। आपको पता है भाई, देश में कुछ करना है तो हम आम नागरिक तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो हम आम नागरिक अपनी पसंद से इलेक्शन में वोटिंग करके अपने उम्मीदवारों को मतलब चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ताकि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करें। तो वो ही लोग क्या बन जाते हैं भाई, विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं। डिफरेंस एक छोटा सा जनरल सी बात समझ लो, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं जी, विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है। संविधान में आर्टिकल है 170, संविधान में आर्टिकल है 170 आर्टिकल के तहत संविधान में विधानसभा बनाई गई है। तो पहली चीज़ ये याद रखना है, किस आर्टिकल के तहत संविधान में विधानसभा बनाई गई है, 170 आर्टिकल। अब ये विधानसभा क्या है, चलो कुछ लोगों को विधानसभा नहीं पता, बट बहुत से लोगों को लोकसभा तो पता होगा। अब एक चीज़ होती है सेंटर, ठीक है, एक चीज़ होता है सेंटर, एक चीज़ होता है स्टेट। आपको पता है, एक तो अपनी सेंटर गवर्नमेंट बोल देते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट बोल देते हैं। तो सेंटर में जो लोकसभा हो का काम होता है, सेंटर में जो लोकसभा होती है ना, एग्जैक्टली वही चीज़ स्टेट में राज्यसभा होती है। सेंटर में जो राष्ट्रपति होता है ना, सेम वही चीज़ राज्य में राज्यपाल होता है। सेंटर में जो PM होते हैं, सेम वही चीज़ स्टेट में CM होते हैं। डोंट बी कन्फ्यूज, स्टेट में विधानसभा होती है, डेट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और सेंटर में लोकसभा होती है। लोकसभा में जो सदस्य हम चुनते हैं, इलेक्शन आपको पता होते हैं भाई, तो जब प्रधानमंत्री के इलेक्शन, हम कहते हैं ना प्रधानमंत्री के इलेक्शन है, प्रधानमंत्री के तो होते ही नहीं है, हम तो MPs चुनते हैं और उनका ही मुखिया प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसे ही स्टेट में जो हम MLAs चुनते हैं, MLAs का जो मुखिया होता है वो अपना मुख्यमंत्री बन जाता है। तो सीधा सा फर्क है, ध्यान रखना। स्टेट में जैसे हम MPs चुनते हैं, वोटिंग करते हैं, और जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, ऐसे ही सेंटर में हम MLAs चुनते हैं, ठीक है। विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो MLAs कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, गॉट इट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो MLAs कहलाते हैं। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग इज देयर, MLAs का जो बहुमत दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। अब वो बहुमत दल का नेता कैसे हो रही है, क्या फंडा है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बेसिक आप ध्यान रखना, जब हमारी पहली विधानसभा बनी 1966, जब हरियाणा अलग राज्य बना था, तो पहली जब विधानसभा बनी तो उस टाइम सिर्फ 54 सीटें थी। कितनी थी? 54। जो बच्चे वर्तमान में हो चुकी हैं 90, वर्तमान में विधानसभा में कितनी सीट है? 90 सीट। 90 सीट का मतलब 90 MLA को हम चुनेंगे, ठीक है ना, खड़े चाहे कितने हो जाओ, हमें तो 90 को जिता के विधानसभा में भेजना है। बट आपसे पूछा जाए अधिकतम कितने हो सकते हैं, मतलब यू कैन आस्क द क्वेश्चन, एग्जामिनर कैन आस्क द मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देन व्हाट इज योर आंसर। मैक्सिमम वर्ड पूछे, अधिकतम वर्ड पूछे, तो +1 कर देना, 91। राज्यपाल चाहे तो एक मेंबर को अपनी मर्जी से विधानसभा में एडजस्ट कर सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। बेसिकली 90 ही आता है ऑप्शन में, हम 90 ही लिखते हैं। बट अधिकतम वर्ड के साथ आपसे पूछ लिया जाए तो यूर आंसर इज 91, नॉट 90, ठीक है। तो सबसे पहला तो चीज़ याद रखनी होती है, जब विधानसभा बनी तो कितनी सीटें थी बच्चे? 54। विधानसभा बनी तो कितनी थी? 54। एंड द प्रेजेंटली इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, देन 90 सीट है।
विधानसभा बनी जब 10 सीट आरक्षित थी, आरक्षित का मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो शेड्यूल्स कैटेगरीज के लिए कुछ पर्टिकुलर अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें रिजेक्ट कर देते हैं, भाई वहाँ पे तो एससी ही सिलेक्ट होएगा, वहाँ पे बीसी सिलेक्ट, मतलब लाइक इस चीज़ को बोलते हैं आरक्षित। प्रेजेंट में पूछे 17 सीटें, तो ध्यान रखना 17 सीटें पे शेड्यूल्स ही सिलेक्ट होंगे, शेड्यूल कास्ट से जो मेंबर्स होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, ये समाज को क्या बोलते हैं, संविधान में लिखा है तो वी शुड फॉलो दिस रूल, हमें फॉलो करना है। तो 17 आरक्षित जनजाति से आपको पूछा जाए तो मतलब 17 है, नोट जनजाति, मतलब आरक्षित सीटें पूछी जाए हरियाणा में 17 है, मतलब 90 में से 17 तो शेड्यूल्स ही बनेंगे जो MLAs हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ठीक है। तो ये तो होगा कुछ सिंपल बेसिक सा आपको इंट्रोडक्शन जो पता होना चाहिए। स्पीकर, अब जब विधानसभा में बंदे चुन लेते हैं, वो कैसे चुनते हैं सुनना, जिसे जीतता कौन है, जैसे 90 सीटों के लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है, 90 रूल क्या होता है, आधा प्लस एक, मतलब आधा का मतलब 45 प्लस एक का मतलब 46। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, ये तो पता नहीं जितनी, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेजेपी भी है, नेशनल लोकदल भी है, मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं, निर्दलीय भी है, एक गोपाल कांडा की पार्टी भी है, मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं हरियाणा में, बहुत सारी तो नहीं लेकिन जो भी मेजर्स हैं यही हैं। तो होता क्या, अलग अलग पार्टी के अलग अलग बंदे खड़े हो जाते हैं। अब जिस पार्टी के 90 सीट हैं तो रूल क्या है, आधा, मतलब आधा मतलब 45 प्लस एक प्लस वन, मतलब कितने हो गए 46। 46 मेंबर जिस भी पार्टी के जीत जाते हैं उस पार्टी, अब ये बंदे जीते हैं ना, अब ये बंदे अपना एक नेता चुन लेते हैं, भाई मेरा तो ये नेता है, और उस बहुमत दल, बहुमत बोलते हैं ना, बहुमत, इनको ज़्यादा मत मिला है, मत मीन्स वोटिंग मिली है ज़्यादा, वो बहुमत दल का जो नेता होता है वो क्या बन जाता है, अपना CM बन जाता है, वो क्या बन जाता है बच्चे, अपना CM बन जाता है, ठीक है। बट ज़रूरी तो नहीं है कि सबको 46 सीट पक्का मिल जाए, ना भी मिले, ऐसा भी तो हो सकता है। अब ना मिले तो क्या करेंगे, ना मिले तो बहुत बहुत पार्टीज़ हैं, अब भाई कई पार्टी कहती है चल तू और मैं मिल जाते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं इसको, गठबंधन, गठबंधन मतलब जॉइंटली कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट बन जाना। किसी भी एक पार्टी को यदि 46 सीटें नहीं मिली तो दूसरी पार्टी कहती कोई बात नहीं, तू टेंशन ना मिले, तेरे को कम मिली है ना, तू और मैं मिल जाते हैं और हम गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है हरियाणा में, अक्सर होता रहता है ऐसा, ठीक है। अब गठबंधन भी ना बन रहा हो, किसी का लड़ाई ही चल रही हो, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वो इलेक्शन कैंसिल हो गए, राष्ट्रपति शासन लग जाता है और इलेक्शन दोबारा करवाया जाता है, बट ऐसी मोहर, वो क्या कहते हैं, नौबत नहीं आती, आपको पता गठबंधन की सरकार बन जाती है। और इस टाइम अब हम बात करते हैं प्रेजेंट विधानसभा की, जो हमारी 14वीं विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे 2019 में, ठीक है, वही मंत्री बने हैं, वही 5 साल चलेंगे, सबको पता है, एक बार जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो 5 साल के लिए होते हैं, तो 5 साल यही मंत्री चलने वाला है, बीच में कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, डेट इज़ डिफरेंट थिंग, बट प्रेजेंटली आई जस्ट गो विद अपडेटेड वन, अब मैं अपडेटेड आपको करवाऊंगी। अब प्रेजेंट की बात पे आ जाता है, 2019 में 21 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, 21 अक्टूबर को जो अपने विधानसभा की इलेक्शंस हुए थे 90 सीटों के लिए, जिसका रिजल्ट आ गया था भाई 3 दिन बाद 24 अक्टूबर को जो इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। अब जब इसका रिजल्ट आया तो बीजेपी को 40 सीट मिली, तो बहुमत नहीं हुआ ना, 45 प्लस 1 चाहिए, तो बीजेपी को 40 सीट मिली, जो इंडियन जो कांग्रेस थी उसको 31 सीटें मिली, और जो दुष्यंत चौटाला वाली जेजेपी पार्टी है उसको 10 सीट मिली, और जो इंडियन नेशनल इनेलो वाला है उसको 1 सीट मिली, HLC जो गोपाल कांडा वाला है उसको 1 सीट मिली, और जो निर्दलीय, निर्दलीय का मतलब कुछ मेरे जैसे, कहीं मैं भी खड़ी हो जाती हूँ भाई छोड़ना यार चल ना इलेक्शन में खड़े होकर देखते हैं, तो वो निर्दलीय जो बिना किसी किसी पार्टी के नहीं होते हैं, हम किसी पार्टी को फॉलो नहीं करती, मैं सीरियसली स्पीकिंग आई डोंट बिलीव इन सच सो कॉल्ड पॉलिटिक्स एंड पार्टीज, तो निर्दलीय खड़े हो जाओ भाई, तो निर्दलीय मतलब कितनी सीटें हैं, 7। अब हुआ क्या, देखो रिजल्ट ये था भाई, किसी को भी बहुमत नहीं मिला, अब चाहते तो कांग्रेस और ये मिल जाते कोई भी मिल सकता था, बट हुआ क्या, बीजेपी के साथ ये मिल जाता है JJP, ठीक है, दुष्यंत चौटाला वाला, तो 40 सीटें तो बीजेपी की थी, 10 किसकी होगी, दुष्यंत चौटाला वाली, 50, वैसे तो यहीं पे बहुमत साबित हो गया, यहाँ भी सरकार बना लेते कोई दिक्कत नहीं थी, बट इन निर्दलीयों को लगा यार थोड़ा बहुत फ़ायदा हमें भी हो जाए, ये भी कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ ही मिल जाते हैं, भाई किसी को मिला लो क्या दिक्कत है, निर्दलीय भी इनके साथ मिल गए, तो ऐसे 57 सीटें होगी, और गठबंधन में क्या बन जाती है भाई, अब की बार की जो सरकार है, तो 2019 में जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार बनी है, ठीक है ना, और गठबंधन की सरकार बनी है, और इसमें जो मुख्यमंत्री बने हैं, जो CM बने हैं, वो बने हैं मनोहर लाल खट्टर जी, सबको पता है करनाल से हैं मनोहर लाल खट्टर जो CM बने हैं।
अब विधानसभा जब बन जाती है तो जो MLAs होते हैं वो कहते हैं भाई एक लीडर भी तो होना चाहिए हमारा, एक अध्यक्ष भी तो होना चाहिए, बिल्कुल अध्यक्ष बहुत ज़रूरी है। तो उस अध्यक्ष को बोलते हैं स्पीकर, क्या बोलते हैं स्पीकर, जो स्पीक करेगा, लोगों को बताएगा, संदेश देगा, समझाएगा, टेबल मारेंगे लोग तो चुप करवाएगा। तो कहने का मतलब एक स्पीकर बेहद ज़रूरी होता है। तो जो स्पीकर बना है वो अब की बार जो प्रेजेंट स्पीकर है अपने पंचकुला से हैं, ज्ञानचंद गुप्ता। तो जस्ट रिमेंबर द नेम, ज्ञानचंद गुप्ता। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है विधानसभा के, स्पीकर कौन है सॉरी, तो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, स्पीकर इज अध्यक्ष इन हिंदी, हाँ ठीक है। डिप्टी स्पीकर भी, एक स्पीकर के बाद एक डिप्टी स्पीकर, कई बार स्पीकर छुट्टी पे चले जाए शादी वादी हो घर में तो भाई पीछे से कौन संभालेगा, डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर हैं रणवीर सिंह, रणवीर सिंह हिसार से हैं, नलवा जगह से, ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर हैं रणवीर सिंह, इनका पूरा नाम है रणवीर सिंह गंगवा, गंगवा करके कुछ पूरा नाम है रणवीर सिंह गंगवा। ये अपने डिप्टी स्पीकर हैं जो हिसार से हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, स्पीकर विधानसभा का पूछे ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर पूछे रणवीर सिंह गंगवा इज अ डिप्टी स्पीकर। यू जस्ट रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट अकॉर्डिंग 2019। और फर्स्ट स्पीकर पूछे विधानसभा की पहली अध्यक्ष, तो डेट इज शन्नो देवी, ठीक है। तो फर्स्ट स्पीकर हैं शन्नो देवी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भाई मंत्री बनाने का टाइम आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मंत्री बनाने का टाइम आ गया कि भाई मंत्री बनाओ। अब मंत्री बनाने का भी एक रूल होता है, जितनी भी सीटें होती है ना, ध्यान रखना, जैसे 90 सीट हैं, जितनी भी सीटें होती हैं उसका 15% एवरेज हम मंत्रिमंडल को दे सकते हैं। ये थोड़ी ना 90 के 90 जीत के मंत्री बन के बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो जितनी भी सीटें होती हैं विधानसभा में उसका 15% आप 90 का 15% निकालो, 13.5 कुछ आ गया, तो मीन्स 14, तो 14 ही मंत्री बनेंगे। ये नहीं है कि सारे मंत्री बन के बन जाएंगे, ये रूल है विधानसभा के जितने मेंबर्स हैं उनका 15% आप निकालोगे तो 13.5 समथिंग कुछ आ गया, तो 14 के आसपास जो मंत्री बनेंगे, बाकी सारे मंत्री नहीं बनेंगे, बाकी तो MLAs बन के रहेंगे, बट वो भी खूब लूटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बड़े मज़े करते हैं सरकार में, ठीक है। तो सबसे पहले होता है भाई अपना कौन, CM, सबसे पहले कौन होता है अपना CM, और अपने CM हैं मनोहर लाल खट्टर, जो बहुमत दल के नेता हैं। CM के अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो, मंत्रियों करने से पहले डिप्टी CM भी बन जाते हैं उप मुख्यमंत्री, ठीक है। डिप्टी CM को क्या बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री बोलते हैं। डिप्टी CM को क्या बोलते हैं बच्चे, उप मुख्यमंत्री। अब हरियाणा में उप मुख्यमंत्री बनने का ट्रेंड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट होता क्या भाई, अब BJP जीत गई, अब BJP कह रही है मैं तेरे को बहुमत दे रही हूँ तो मेरे को कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए, तो भाई उसको CM तो बनाने से रहे, तो कहता रहे गुरु तू डिप्टी CM बन जा, कोई बात नहीं तू CM नहीं बन रहा तू मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जा, मतलब दिस इज़ द वे। तो यहाँ से क्या बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा में अब तक सिर्फ 6 बने हैं, ध्यान रखना, हरियाणा में अब तक 6 डिप्टी CM बने हैं। सबसे पहले बने थे चांदराम, नेम याद कर लेना भाई, क्वेश्चन में भी आस्क इन योर एग्जाम कि हु इज़ नॉट डिप्टी CM, कि डिप्टी CM कौन नहीं है। तो फर्स्ट इज चांदराम, सेकंड है मंगल सेन, हुकम सिंह, बनारसी दास गुप्ता, अगेन आई रिपीट डोंट वरी, चंद्र मोहन बिश्नोई, हुड्डा के सरकार में था ये चंद्र मोही बिश्नोई, इसका तो पता नहीं कुछ अफेयर था तगड़ा सा, सुना था मैंने बहुत ज़्यादा, और दुष्यंत चौटाला कुछ था, मतलब इसका सुना था मुझे, अब छोड़ो इस चीज़ को। हाँ तो डिप्टी CM हरियाणा में 6 बने हैं आज तक, द वेरी फर्स्ट इज चांदराम, मंगल सेन, हुकम सिंह, चांदराम, मंगल सेन, हुकम सिंह, बनारसी दास गुप्ता, चंद्रमोहन बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला, ठीक है। तो ये 6 हैं डिप्टी CM, आपको 6 का 6 याद रखना है, चांदराम, मंगल सेन, हुकम सिंह, बनारसी दास गुप्ता, चंद्रमोहन बिश्नोई एंड द लास्ट इज आवर प्रेजेंट डिप्टी CM एंड BJP के लीडर दुष्यंत चौटाला। स्मार्ट हैं, यंगेस्ट हैं भाई, सही है, मतलब मुख्यमंत्री बनने, खैर मैं फॉलोवर नहीं हूँ किसी की, बट जनरली आई एम सेइंग कि ठीक लगता है पर्सनैलिटी में। हाँ अब देखो बात कर लेते हैं मनोहर लाल खट्टर की, अब हम आते हैं मंत्रिमंडल। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला हुआ है, तो आपको वो डिपार्टमेंट याद करना है कि ये मंत्री बन रहा है बंदा, यहाँ से बन रहा है और इसके पास ये वाला डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले हैं अपने मनोहर लाल खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर के पास है अब की बार वित्त मंत्रालय। सॉरी एक्चुअली है ना मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती,
तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता कि मैं वीडियो को स्टॉप कर दूं और इसको दोबारा चला लूं और बीच में से कट कर दूं, तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं आती, सीधा साधा पढ़ाना आता है। तो बच्चे सॉरी फॉर दिस, नेचुरल प्रोसेसिंग है भाई, कोरोना वाली छींक नहीं थी, नेचुरल छींक है, गर्मी सी है, हो जाती है ना सर्दी गर्मी तो लग जाती है, सॉरी फॉर दिस। हाँ, तो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर कौन है, और एक माइक में ज़्यादा तेज छींक सुनी होगी, इतनी तेज तो आई भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, झेल लियो। हाँ, मनोहर लाल खट्टर कौन है भाई, वित्त मंत्रालय है इनके पास, क्या है, वित्त मंत्रालय, जो कैप्टन अभिमन्यु के पास होता था ना पहले, जो वित्त मंत्रालय होता था, ठीक है ना, तो ये वित्त मंत्रालय है इनके पास। और वित्त मंत्रालय के अलावा जो जैसे कुछ कुछ डिपार्टमेंट सबको बांट दिए, ठीक है, अब कुछ डिपार्टमेंट बांटने के बाद कुछ डिपार्टमेंट फिर भी रह जाते हैं, तो जो रह जाते हैं उनको भी कौन संभालते हैं, मनोहर लाल खट्टर। बट प्रेजेंट में वित्त मंत्रालय, वित्त जो डिपार्टमेंट है, पैसे पूसे वाला डिपार्टमेंट है, वो खट्टर जी के पास है। सेकंड है दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत और मनोहर लाल खट्टर बताने की जरूरत नहीं, कहाँ से हैं भाई, करनाल से हैं, सबको पता है करनाल से सीट इन्होंने जीती है। फिर है दुष्यंत चौटाला, उचाना से हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट में है उचाना, उचाना से ये चुनाव जीते हैं। और इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, राजस्व, आपदा प्रबंधन, कोई भी आपदा आ गई, कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी किसी भी टाइप की कुछ आपदा आ जाती है तो उसको ये संभालेंगे, देखेंगे। श्रम एवं रोजगार, जिसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर दिन रात हल्ला बोल हो रखा है, वो रोजगार विभाग है दुष्यंत चौटाला जी के पास, ठीक है। नागरिक आपूर्ति और खाद्य आपूर्ति, जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग है वो भी इनके पास है। उपभोक्ता मामले, जो मतलब हमारे उपभोक्ताओं के जो ये मामले हैं, मतलब कंज्यूमर कोर्ट जिसको आप कह सकते हो, कुछ सुनना है अपना, कुछ बताना है, मेरा वहाँ कुछ हो गया, टैक्सेस वगैरह, तो ये सारे किसके पास हैं, दुष्यंत चौटाला के पास, ठीक है, ये सारे किसके पास हैं, दुष्यंत चौटाला के पास। नेक्स्ट है अनिल विज अंबाला से हैं। अब देखो भाई, छठी बार लगातार जीते हैं ये, छठी बार लगातार MLA बन रहे हैं, तो मान के चलो बंदे में दम होगा, ढाडी वाले में, ऐसे ही तो नहीं छठी बार बना। तो अनिल विज अंबाला से हैं, इनके पास क्या क्या है भाई, गृह मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होता है, बेसिकली गृह मंत्रालय CM रखता है हमेशा अपने पास, ठीक है ना, बट क्योंकि गृह मंत्रालय में सब कुछ ही देख रेख हो जाती है, बट अब की बार अनिल विज के पास है गृह मंत्रालय। आयुष, जो चिकित्सा से रिलेटेड है, विज्ञान तकनीकी शिक्षा, स्थानीय शिक्षा, ये शिक्षा वो वाली नहीं है एजुकेशन वाली, तकनीकी शिक्षा, ठीक है ना, जो टेक्निकल एजुकेशन है वो किसके पास है, ठीक है, जो तकनीकी शिक्षा है, जो स्थानीय निकाय हैं, जो मेडिकल शिक्षा है, जो रिसर्च है, ये सारे किसके पास हैं, अनिल विज के पास, मतलब जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी हैं, जो रिसर्च है, जो स्थानीय चीज़ें हैं, जो मेडिकल है, ये सब आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय किसके पास है बच्चे, अनिल विज के पास। नेक्स्ट है कंवर पाल गुज्जर, ये जगाधरी यूनिवर्सिटी यमुनानगर में है जगाधरी, तो कंवर पाल गुज्जर जगाधरी से हैं, ये शिक्षा मंत्री हैं, जैसे पीछे रामविलास शर्मा जो शिक्षा मंत्री थे उसी तरीके से अब जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, कंवर पाल गुज्जर, ठीक है, तो अब जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, कंवर पाल गुज्जर, पहले रामविलास शर्मा थे, जो मेरी मम्मी के मामा लगते हैं, मतलब जैसे ताऊ चाचा वाले मामा होते हैं रियल, अब कोई कुछ भी बोले भाई, लेकिन सच्चाई है कि घर घुर के कोई काम नहीं आया करते, बट वैसे जनरल बता रही हूँ, रामविलास शर्मा मेरी मम्मी के रियल मामा हैं, मतलब ताऊ चाचा वाले, जैसे ताऊ चाचा वाले, तो बचपन में तो बहुत ज़्यादा केयर करते थे, मतलब मम्मी वगैरह हर की, लेकिन मंत्री बन गए तो बस इतना ही होता, जीजी आजा, नौकरी लगवाते किसी की, ठीक है, ये तो आपको पता गवर्नमेंट में चलता रहता है, ठीक है। तो कंवर पाल गुज्जर कौन है भाई, शिक्षा जो है मंत्री हैं वर्तमान में, और वन विभाग है इनके पास, पर्यटन विभाग, ठीक है, जो पर्यटन विभाग है वो कंवर पाल गुज्जर जी के पास है, पर्यटन विभाग। संसदीय कार्य है, जो पार्लियामेंट्री वर्क है वो भी इन्हीं के पास है। आतिथ्य विभाग, मतलब हरियाणा में कोई बाहर का अतिथि आएगा स्पेशल, तो उसको भी डील करेंगे कंवर पाल गुज्जर जी, ठीक है। तो आतिथ्य विभाग, जो पार्लियामेंट्री वर्क्स हैं, जो पर्यटन है, वन है, शिक्षा है, सब से कौन से रिलेटेड है, कंवर पाल गुज्जर, ठीक है। नेक्स्ट है मूलचंद शर्मा, ये बल्लभगढ़ से हैं, ठीक है ना, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से चुनाव जीते हैं। तो परिवहन एवं खाद, जो खनिज हैं, परिवहन और जो खान खनिज होते हैं ना, खद्यान जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना, तो परिवहन एवं मिनरल्स जो डिपार्टमेंट है मूलचंद शर्मा के पास है। औद्योगिक परीक्षण, जो आपको इंडस्ट्रियल कैसे एस्टेब्लिशमेंट करना, कैसे आगे ग्रोथ करनी है, तो ये सब इश्यूज कौन देखते हैं, मूलचंद शर्मा। नेक्स्ट है JP दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है इनके पास, जो JP दलाल हैं इनके पास, लुहारू से हैं ये, भिवानी से, ठीक है,
जेपी दलाल लुहारू या यू कैन से भिवानी से हैं जेपी दलाल, इनके पास कृषि है, पशुपालन है, डेयरी है, किसान कल्याण है, तो किसानों को देखेंगे वही जेपी दलाल, ठीक है। कानून एवं विधायी विभाग भी है थोड़ा बहुत। फिर बनवारी लाल इम्पॉर्टेंट है, बनवारी लाल वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट, आरक्षित सीट के ऊपर है, रिजर्व सीट है रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में बावल है प्लेस बावल, तो वहाँ की रिजर्व सीट से जीते हैं ये बनवारी लाल, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और बैकवर्ड इनको पिछड़ा वर्ग ही दे रखा है, क्योंकि रिजर्व सीट से थे हैं तो बेसिकली इसी चीज़ में बेटर कर पाएंगे, तो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे और करते हैं, मीन्स और मंत्री हैं जो करते हैं, बेसिक ये मेजर मंत्री हैं, फिर माइनर्स हैं थोड़े से, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ़ यू वॉन्ट। बच्चे कहते हैं मैम स्क्रीनशॉट नहीं ले देते। नेक्स्ट कुछ रिमेनिंग मंत्री हैं, रणजीत सिंह, ये रणजीत सिंह का पूरा खानदान ही पॉलिटिक्स के अंदर है। दुष्यंत जो चौटाला अपने डिप्टी सीएम, ये उनके दादाजी हैं, ठीक है ना, ये उनके दादाजी हैं, मीन्स देवीलाल के पिता, हाँ चौधरी देवीलाल के पिता हैं रणजीत सिंह। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट राजनीतिक हस्ती हैं, आपको पता राजनीति में एक लंबा रहा है इनका नाम। तो ये जो रणजीत सिंह हैं ये सबसे बुजुर्ग हैं, ठीक है, ध्यान रखना, निर्दलीय हैं। निर्दलीय मतलब ऐसा नहीं है किसी दल से नहीं इन्होंने इलेक्शन लड़ा, अपने लेवल पे लड़ा है और जीते हैं और मंत्री भी बने हैं, सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं, चीज़ ध्यान रखना। रानिया सिरसा से, ठीक है, तो सिरसा से जीते हैं ये। इनके पास बिजली, जेल, नवीनीकरण ऊर्जा वगैरह, जो ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, जितनी भी अपनी एनर्जीज हैं, जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कुछ भी नया होता है साइंटिफिक फॉर्म में, या बिजली है, जेल है, तो ये सभी के सभी विभाग किसके पास है बच्चे, रणजीत सिंह के पास, ठीक है। नेक्स्ट है ओपी यादव, यादव से तो वैसे ही क्लियर हो जाता है, नानोल महेंद्रगढ़ साइड से हैं यादव। तो यादव जो है ये सामाजिक न्याय, सैनिक, अर्धसैनिक, जो सशक्तिकरण, जो मतलब देश में अपना जो जजमेंट होती है, न्याय होते हैं सोल्जर्स के लिए, सैनिक बल्स के लिए जो काम करेंगे, एक्ट करेंगे, वो ओपी यादव संभालेंगे, ठीक है। कमलेश ढांडा ये कलायत जींद से हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दस शी इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई शी इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज शी इज़ द ओनली फीमेल, एकमात्र महिला है जिसको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, क्योंकि काबिलियत रखती होंगी भाई। अब याद रखना भी आसान है, महिला है तो महिला ही है, ठीक है ना, जैसे कविता जैन होते थे शायद पहले, तो महिला है तो महिला को, महिला का ही डिपार्टमेंट है, मतलब लेडीज़ से रिलेटेड जो भी, जैसे हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ आती हैं महिलाओं के लिए, बच्चे होते हैं, ये सब चीज़ों को जो भी कानून वगैरह पास होते हैं, जो कुछ भी योजना लाई जाती है, तो ये कमलेश ढांडा का काम है। तो क्लाया जीन से हैं, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इनके पास। अभिलेखाकार विभाग, अभिलेख क्या होते हैं, जो पुराने अभिलेख से टाइप में होते हैं, तो ये डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है, ठीक है। तो एकमात्र लेडी है, याद कर लेना। अनुपधानक ये म्यूजियम जो डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी होता है, जो पुरानी जो पुरातत्व विभाग की चीज़ें हैं ना उनके ऊपर डील करते हैं, तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर डील करते हैं अनुपधानक। संदीप सिंह पेहवा से हैं, पेहवा कुरुक्षेत्र में हैं, खेल एवं युवा मंत्रालय इनके पास है, खेल एवं युवा मंत्रालय किसके पास है भाई, इसी के पास है। ये पहले हॉकी टीम के कैप्टन भी थे जो संदीप सिंह हैं, गेम्स में भी इनका नाम जो हमने काफ़ी बार पढ़ा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये पर्सनैलिटी हैं। और ये अनुपधानक उकलाना से थे, ठीक है, अनुपधानक उकलाना से, और संदीप पेहवा कुरुक्षेत्र से हैं संदीप सिंह। तो खेल एवं युवा मंत्रालय इनको दिया हुआ है, छपाई और लेखन का काम, जो छपाई, जो प्रिंटिंग वगैरह होती है, वो सब काम भी इनके पास है। तो ये हैं 2019 के मुख्यमंत्री, आई थिंक 12 के अराउंड हो गए, 14 बनाने हैं, एक दो अभी नहीं बने क्योंकि कुछ रीजंस हैं भाई, कोई बीजेपी के बनेगा, कोई जेजेपी का बनेगा, कुछ स्पेशल आएगा, कुछ सोच के बनाएंगे एक आधा और। तो ये हैं बेसिक जो है मंत्रिमंडल, आपको इनको पक्का याद रखना है। और गाइज मैंने अपनी तरफ से एफर्ट किया है इस टॉपिक को आपको बेस्ट से बेस्ट करवाने का, और पॉलिटिक्स इससे भी आगे, इससे भी बेहतर करवाऊंगी। बट बेहतर करवाने का मन कब करता है, जब आपसे बेहतरीन रिस्पांस मिलता है। यदि आपसे बेहतरीन रिस्पांस नहीं मिलता तो सच बताऊं टीचर्स का बेहतर करवाने का मन अपने आप नहीं करता। क्यों, ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना चाहती बिल्कुल, लेकिन ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें कैसी लगती हैं। तो मैं आप लाइव तो इंटरेक्शन नहीं कर रही ना कि भाई कैसे लगी क्लास। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, सब्सक्राइब करो, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको मेरा पढ़ाना, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने, मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस देती रहूँगी। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट, बिकॉज योर कमेंट्स गिव मी रीइंफोर्स, आपके कमेंट मुझे एक पावर देते हैं कि मुझे आगे वीडियोज़ बनानी हैं,
आगे काम करना है या ये सब्जेक्ट बच्चों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, क्योंकि आपको पता बेसिकली आई लव साइकोलॉजी एंड इंग्लिश लिटरेचर, दोनों मेरे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट हैं और उनके कोर्सेज भी चल रहे हैं मेरे यहाँ। बट ये तो मैं सिर्फ आपकी डिमांड पे पढ़ाती हूँ, तो आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें भाई, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि हर न्यू वीडियो से आपको सबसे पहले मिले। और आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत, तो किसी को नोट्स, कोचिंग, स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई अकेडमी इज अचीवर्स अकेडमी, 701-154-67794, 701-154-67794. So have a nice day, thank you so much, stay connected, keep watching, keep sharing, bye bye, don't forget to share the video with your friends, bye। अभी शेयर का बटन दबा के जाऊँ।